माफिया अतीक अहमद प्रयागराज से साबरमती जेल के लिए रवाना, झांसी से आगे पहुंचा काफिला। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद खराब हुई अतीक की तबीयत, नैनी जेल के बाहर 3 घंटे तक खड़ी रही वैन। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को मिली है उम्र कैद की सजा, अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार। किडनैपिंग केस में अशरफ बरी, अतीक के भाई अशरफ को भेजा गया बरेली जेल। बरेली जेल पहुंचने पर अशरफ का बयान, 2 हफ्ते में हत्या कराई जाने की जताई आशंका। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राहुल की सांसदी जाने और अडानी मामले पर आक्रामक हुई कांग्रेस, अगले 30 दिन पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह, आज से 8 अप्रैल तक चलेगा विरोध। राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस का मशाल जुलूस, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद किया गया रिहा। कांग्रेस ने एक बार फिर बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा अडानी मामले पर जेपीसी नहीं चाहती है केंद्र सरकार। बीजेपी मुख्यालय का विस्तार, पीएम मोदी ने किया कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का किया जिक्र, बोले हमने इमरजेंसी में लोकतंत्र की रक्षा की, किसी भी हालत में निराश नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर पलटवार, बोले सभी भारत विरोधी शक्तियां एक साथ हैं। पुलिस ने अमृतपाल की तलाश की तेज, होशियारपुर में नाकेबंदी तोड़कर इनोवा कार से भागे 4 युवक, कार में अमृतपाल के होने का शक। पंजाब हरियाणा से दिल्ली आकर भागा था भगोड़ा अमृतपाल, कश्मीरी गेट आईएसबीटी की सीसीटीवी से खुलासा हुआ। अमृतपाल के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, पंजाब के एडवोकेट जनरल का दावा, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा अमृतपाल। राजस्थान में आज 19,000 डॉक्टर्स की हड़ताल, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ अवकाश पर रहेंगे चिकित्सक। बिल के विरोध पर बोले सीएम गहलोत, कहा डॉक्टर्स के साथ चर्चा के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री पर सादीलाल मीणा का ऐलान, आरटीएच बिल नहीं होगा वापस। केंद्र सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठेंगी ममता बैनर्जी, टीएमसी सांसद भी करेंगे प्रदर्शन। सीएम ममता बैनर्जी का केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप, योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग। आरएसएस के सह सरकारवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र है और सनातन इसकी विशेषता है। भारत में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी राहत, कोविड के मिले 1,573 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई किसी की मौत। कोरोना को लेकर अलर्ट, देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। भारत के नेतृत्व में आज दिल्ली में होगी एससीओ देशों के एनएसए की बैठक। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आम आदमी पार्टी ने दाखिल की है याचिका। दिल्ली एमसीडी में आज होगी बजट पर चर्चा, बजट पास करवाने पर रहेगा जोर, सदन में हंगामे के आसार। लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सदस्यता बहाली की है मांग। हत्या की कोशिश की वजह से मोहम्मद फैजल को मिली थी 10 साल की सजा, कारावास के बाद संसद की सदस्यता हुई थी रद्द। जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में बना रिकॉर्ड, गार्डन खुलने के सिर्फ 7 दिनों में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा पर्यटक। सहारनपुर में 2 गाड़ियों के आमने सामने से टक्कर, नगर निगम के गेट पर हुआ हादसा, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार शटर तोड़कर रेस्टोरेंट में घुसी, कार सवार हुआ घायल। जमशेदपुर कोर्ट में 2 अपराधियों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में एक पेपर कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के नागपुर में आग का तांडव, वन विभाग की जमीन पर लगी आग, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के शाजापुर में गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 20 एकड़ फसल जलकर राख हुई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। रायसेन के डाबर में किसानों की खड़ी फसल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग में 13 एकड़ फसल जलकर राख हुई। छात्रा के प्यार में कुशीनगर का शिक्षक पहुंचा बिहार, ग्रामीणों ने लात घूंसों और चप्पल से आशिक मिजाज मास्टर को पीटा, वीडियो वायरल। पंजाब के लुधियाना में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, हमले में 3 शख्स जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नवी मुंबई में केयर टेकर की बुजुर्ग की पिटाई करते हुए वीडियो सामने आया है।
जालौन में फार्मासिस्ट के साथ समर्थन में आया व्यापार मंडल, डीएम को ज्ञापन देकर की जांच की मांग, छेड़खानी का आरोप लगाकर फार्मासिस्ट के साथ की गई थी मारपीट। सबरीमाला से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में 64 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में फटा सिलेंडर, खाना बनाते समय हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में घायल बाघ का रेस्क्यू, वन विभाग कर रहा है रायपुर भेजने की तैयारी। बिजनौर में तेंदुए के दिखने से दहशत का माहौल, तेंदुए की तलाश कर रहा है वन विभाग। झांसी में हंगामा कर रहे मानसिक रोगी युवक को पुलिस ने पीटा, पिटाई से युवक की हालत हुई गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बिजनौर में बन रही है शुगर मिल और जिसमें एक हादसे होने की खबर आ रही है सामने, बॉयलर का पैनल गिरने से एक मजदूर की मौत। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोलीबारी में टॉप 10 बदमाश घायल, साथी मौके से फरार, एक बाइक और तमंचा बरामद। बुलंदशहर में इश्क का खूनी अंजाम, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, एक आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा, 26,000 का जुर्माना भी लगा, 16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। राजस्थान के टोंक में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 25,000 रुपए का लगा जुर्माना। सहारनपुर पुलिस ने पशु चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 95,000 रुपए भी बरामद। देवरिया में रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की घूस लेते कोषागार अकाउंटेंट को रंगे हाथों पकड़ा। झारखंड के रामगढ़ में धूमधाम से निकाला गया मंगला जुलूस, हजारों की संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग, जय श्री राम के लगे नारे। कोडरमा में सोनी हत्याकांड के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, लोगों ने बैनर लेकर लगाई न्याय की गुहार, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में खाना बनाने के दौरान हादसा, चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में लगी आग, आग में महिला की जिंदा जलकर मौत हुई। हाथरस में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, करीब 5 घंटे तक ट्रैक को रखा गया बंद, घंटों की मशक्कत के बाद पटरी पर लाया गया इंजन। सहारनपुर में वायुसेना के ऑफिसर एनक्लेव के कमरे में मिला महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट का शव, लेफ्टिनेंट के आसपास पड़ी मिली दवाइयां। नालंदा में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 83 कार्टन विदेशी शराब बरामद। आगरा में पुलिस की स्पा सेंटर पर रेड, मसाज के नाम पर हो रही थी जिस्म फरोशी, कई महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता में कस्टम विभाग की कार्रवाई, बंगाल टाइगर की खाल से भरे बैग को किया बरामद, अधिकारियों को आता देख भागा तस्कर। सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल, यात्रा के दौरान पुलिस को मिलेगी सुविधा। हापुड़ में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग हुए घायल। हरदोई में कार और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। मेरठ बागपत हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बैल बुग्गी में मारी टक्कर, घायल को अस्पताल ले जाया गया। यूपी के बदोही में ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। आजमगढ़ में किशोरी का अपहरण कर अश्लील फोटो वायरल करने वाला गिरफ्तार, रिश्तेदार के सहयोग से भगाने का आरोप। अलीगढ़ में मौलवी ने मदरसे में छात्र से किया कुकर्म, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई FIR, आरोपी मौलाना को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों का आतंक, ग्रामीण बैंक में हथियार के बल पर करीब 5,00,000 रुपए की लूट की। बिहार के अररिया में नर्स के घर से लाखों की चोरी, ज्वेलरी समेत 5,00,000 नकद घर से गायब, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में भी बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला, हथियार के बल पर CSP संचालक से 4,00,000 की लूट, पीछा करने पर मारी गोली। सासाराम में ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को रौंदा, हादसे में एक महिला की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरपुर में बंगाल के व्यापारी से लूट करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। बिहार के बांका में चावल के गोदाम से 2 जिंदा बम बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने किया डिफ्यूज। अमेरिका में आज से डेमोक्रेसी समिट का आयोजन, 120 देश वर्चुअली लेंगे बैठक में हिस्सा। अमेरिका ने समिट में शामिल होने के लिए चीन को नहीं दिया आमंत्रण, चीन को बुलावा नहीं आने पर पाकिस्तान ने बनाई समिट से दूरी। अमेरिका में गन कल्चर पर लगेगी रोक, स्कूल में हुए हमले के बाद जो बाइडेन ने लिया फैसला।
अमेरिका में आधा झुका रहेगा झंडा, नैशविला शूटिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया ऐसा आदेश। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल को लेकर प्रदर्शन जारी, कई जगह की गई तोड़फोड़, लोगों ने गाड़ियों को किया आग के हवाले। पेरिस में भी लोगों का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर जमा हुए लोग, कई घंटे तक बंद रही रेलवे सेवाएं। रूस में यूक्रेन के पक्ष में पोस्ट करना एक पिता को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। यूक्रेन के एवडिका के पास रूस ने तेज किए हमले, लोगों ने शहर छोड़कर जाने से किया इनकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ज़ापोरिज़्या में दौरा, रूसी हमलों में तबाह हुई इमारतों का किया निरीक्षण। अमेरिका के टेक्सास में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, 6 लोग हुए बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती। इक्वाडोर में लैंडस्लाइड ने तबाह किए कई मकान, 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। ग्रीस के एथेंस में पाकिस्तान के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, शहर में बड़े हमले की कर रहे थे प्लानिंग। ब्राजील में स्कूल के शिक्षक को दी गई श्रद्धांजलि, 13 साल के छात्र ने चाकू से गोद कर की थी हत्या। अमेरिका के डकोटा में ट्रेन हादसा, ट्रेन के 70 डिब्बे पटरी से उतरे, मलबा हटाने का काम जारी। स्पेन के जंगलों में लगी आग, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार, एनएएसए ने जारी की आग की तस्वीरें। इटली के वॉरस में भी धधक रहे हैं जंगल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, 7 लाख हेक्टेयर में फैली है ये आग। पेरू से तुर्की जा रहे ड्रग्स की बड़ी खेप को किया गया बरामद, 2300 किलोग्राम कोकीन जब्त, $20 मिलियन बताई जा रही है इस ड्रग्स की कीमत। मेक्सिको में बैन नहीं होगा टिकटॉक, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने दी ऐसी जानकारी। बोलिविया में भारी बारिश के बाद तबाही, प्रभावित इलाकों से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। अमेरिका के सेंटियागो चिड़ियाघर में 2 जुड़वा अमूर तेंदुओं का हुआ है जन्म, चिड़ियाघर में जश्न का माहौल, दुनिया भर में 300 से भी कम है अमूर तेंदुए का नंबर। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान, वर्कलोड मैनेज की वजह से लिया गया ऐसा फैसला। बीसीसीआई ने आईपीएल से पहले दिए निर्देश, बॉलिंग की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने को कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप को देखते हुए लिया गया फैसला। आरसीबी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए एबी डिविलियर्स, भारत के लोगों का डिविलियर्स ने कहा शुक्रिया। श्रीलंका का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर सस्पेंस, न्यूजीलैंड के साथ दूसरा वनडे रद्द, पहले मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से कटा 1 अंक। ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल के फाइनल मैच में भारत ने किर्गिज गणराज्य को हराया, किर्गिज को 2-0 से दी मात।